हेलो गाइस, अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर पहले मैंने ड्रॉ कर देता हूँ। भाई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को मैंने ड्रॉ किया, तो पहली बात मुझे बताओ कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कभी भी बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो बेसिकली इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक चार्ज ड्रॉ किया हुआ है, अब ये चार्ज कभी भी ऊपर ही रहेगा। मैंने बोला था ना, मेटल के अंदर कभी चार्ज रहेगा क्या? नहीं। अब ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। अब नॉन कंडक्टिंग में तो हम लोग अंदर भी डाल सकते हैं, कहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टिंग में चार्ज हमेशा बाहर रहेगा, रूल था ना अपना। ठीक है, अब पहली बात मुझे निकालना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, लेट्स से P1 जो कि अंदर है और एक पॉइंट P2 जो कि बाहर है। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 कितना रहेगा भाई? जीरो रहेगा। देख लिया ना अपन ने क्या करना है, गॉसियन सरफेस बना दो स्फेरिकल ऐसे कुछ। अब अंदर चार्ज है ही नहीं, अब अंदर सपोज चार्ज नहीं है, चार्ज इनक्लोज्ड ही जीरो है, सो बाय गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? जीरो। खत्म, कहानी खत्म होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 कितना रहेगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 निकालते हो तो गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे? बड़ा वाला स्फीयर बना दो कुछ ऐसे। अब बड़ा वाला स्फीयर बनाते हो तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट इंटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। अब इसको यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया विच इज लेट्स से 4πr². अब ये डिस्टेंस लेता है r इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। अब चार्ज इनक्लोज कितना है? टोटल चार्ज q है ना, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई? 1/4πε0q/r². देखो, ये पूरा का पूरा अपने को पता था, लेकिन जस्ट एक बार मैंने आपको रिवाइज करवा दिया कि गॉस लॉ कैसे यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P2 कितना आया? 1/4πε0q/r². आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता है हम लोग ने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी यही किया था, और मैंने क्या बोला था, स्फीयर के बाहर का कोई भी पॉइंट होगा तो दिस स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट द सेंटर, एज इफ ए पूरा का पूरा चार्ज क्यू कहाँ पे रखा हुआ है? इस सेंटर पे रखा हुआ है। तो इसलिए तो आया ना आंसर 1/4πε0q/r² ठीक है। तो भाई ये दोनों चीज़ें हो गई, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब कभी भी ध्यान में रखना है ये चार्ज बाहर नहीं होगा, अब ये चार्ज अंदर नहीं हो सकता तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर तो हो नहीं सकता, तो कभी भी कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा तो क्या रहेगा? हॉलो ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कभी चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। तो मैं ऐसा बोलूँगा सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के अंदर मैंने चार्ज डाला हुआ है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। इवन आप सॉलिड स्फीयर ड्रॉ करते हो तो चार्ज हमेशा कहाँ पे रहेगा? बाहर ही रहेगा। हाँ, अभी कुछ कुछ लोग उस सॉलिड स्फीयर के अंदर एक कैविटी बना देते हैं, तो वो पूरा का पूरा केस अलग हो जाएगा, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं बाद में, ठीक है। ये तो समझ में आया, चलो अच्छी बात है। अब इसी पॉइंट में अब मैंने देख लिया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर भी देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट भी देख लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, अब पोटेंशियल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी अगले सेशन में पोटेंशियल डिस्कस कर लेता हूँ।